हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, बात करते हैं आज एक नए चैप्टर पे, नया टॉपिक कह सकते हैं, चैप्टर तो हमारा वही है। तो आज हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 6.3 जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस चैप्टर में जनरली हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना ये है कि किस तरह हम दो अलजेब्रिक नंबर्स को डिवीजन करते हैं। ठीक है, जनरली हमें क्या पढ़ना है, डिवाइड करना है कि दो अल्जेब्रिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसे डिवाइड कैसे करेंगे। बहुत इजी है, हम लोग बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम सीधे अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू डिवाइड। तो पहला दिया हुआ है कि डिवाइड करना है आपको -56x2y³ को by 8xy² मतलब बाई लगा है तो ये वाला पोर्शन इससे डिवाइड करना है, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं, बड़े आराम से करेंगे, बहुत इजी तरह। तो जिससे डिवाइड करना है हम उसको नीचे लिखेंगे और जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर। तो -56x²y³ अपॉन, नीचे किससे डिवाइड करना है, 8xy² से डिवाइड करना है। थोड़ा सा पेन की थिकनेस बढ़ा लीजिए। ठीक है, इससे डिवाइड करना है। अब देखो बच्चों, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर दो, कैसे, जैसे 56 है तो इसको -56 ही लिखो इंटू। अब यहाँ x² है तो क्या मैं इसको x * x नहीं लिख सकता, बेशक लिख सकते हैं। यहाँ y³ है तो मैं इसे y * y * y लिख दूंगा। देखो बहुत इजी है यार, तुम सब लोग कर सकते हो। अब यहाँ 8 है, 8 को 8 ही रहने दो क्योंकि 8 से हमारे 56 कटेगा। वहाँ 1 टाइम x है तो ये x हो गया और 2 टाइम y है तो y * y हो गया। अब देखिए y से y कैंसिल, y से y कैंसिल, ऊपर x है नीचे x है, 8 1 8 7 8 56। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -7 और एक x बचा हुआ है तो एक x आ गया और एक y बचा हुआ है तो एक y आ गया। बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी था, पहले का आंसर आपका आ गया। तो इसमें कुछ करना तो है नहीं, बढ़िया आराम से आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या क्वेश्चन नंबर 2 भाई, 72x²y³ को डिवाइड करना है -2xy से। तो बहुत ईजी है, देखो पहली बात तो ये माइनस ना हमेशा कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, हमेशा कहाँ लिखते हैं, हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -72x * x * x, उसके बाद y * y * y, जो जितनी बार है उसको उतनी बार एक्सपेंड कर लो, और 2xy। 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 3 जा और 2 6 जा, ये कट गया 72, और x से x कटेगा और एक y से एक y कट गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, हमारे पास -36, यहाँ पे 2 टाइम x है तो x² और यहाँ पे 2 टाइम y बचा है तो y², ये आपका आंसर, ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक, चलिए फिर इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं भाई, आपको डिवाइड करना है -135x³yz³ को डिवाइड करना है -5xyz² से। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। क्या करेंगे पहले भाई, माइनस से माइनस कटेगा। ठीक, अभी 135 है तो उसको 135 ही रहने दो। यहाँ x 3 टाइम है तो x * x * x कर देंगे, y 1 टाइम है तो y 1 टाइम रहने दीजिए, z 3 टाइम है तो हम इसको z * z * z कर देंगे। इसके बाद नीचे है 5 * x * y * अब z देखो स्क्वायर है ना, इट मीन्स z हम 2 टाइम लिखेंगे। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, तो 1 z से 1 z, 1 z से 1 z हो गया, y से y और x से x, और 5 से कटेगा तो 5 2 जा और 5 7 जा 35। ठीक, तो ऊपर कितना आ गया, 27, 2 टाइम x बचा है तो ये x² हो जाएगा और 1 टाइम z बचा है तो z हो जाएगा, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस,
कहना बहुत इजी है, बट आपके थोड़ा सा समझने वाली बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4 के बारे में। हाँ ये 4 थोड़ा सा अच्छा है। क्या कह रहा है, 4/3 ए स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है 2a से। देखो बच्चा ये जो 3 है ना, ये कहाँ चलाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2a। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, a से a कटेगा a टाइम में। ठीक है, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2a और यहाँ पे बचा आपका 3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, आप में वैल्यू गिवेन है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वैल्यू यहाँ पे रूट में है। देखो चलो इसको भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 4a^5, इसको डिवाइड करना है -2√2a² से। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, पहली बात ये जो 4 है ना, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। पहली बात ये माइनस को ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा -2 × 2, और a 5 टाइम है, चलो a 1 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, और ये 5 टाइम हो गया। ठीक, नीचे कितना है हमारा, हमारा 2 है और √2 है, और फिर 2 टाइम a है। तो चलो 2 टाइम a से 2 टाइम a कैंसिल हो गया, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा -2, ये बचेगा a क्यूब अपॉन √2। देखो बेटा अब यहाँ पे √2, अभी पूरा आंसर नहीं आया। हम क्या, हम जानते हैं कि अगर मान लो रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, ए आता है। तो उसी तरह ए को हम ये भी लिख सकते हैं। सेम बेटा यहाँ पे जो 2 है ना, हम क्या करेंगे, हम इस 2 को -√2 और -√2 लिखेंगे। लिख लिया, और नीचे भी आपका √2 है। अब √2 से √2 कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया √2a³, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं भाई, 64a²b²c² को डिवाइड करना है -16a²b²c² से। तो देखो बच्चों सिंपल, ऊपर भी देखो ये a²b²c², नीचे भी आपका a²b²c², ये इससे पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा -64/16। अब मैंने ये माइनस को ऊपर कर दिया है। ठीक है, देखो इसके पीछे रीजन क्या होता है, जैसे ऐसे सोच लो कि जैसे आपका लिखा हुआ है a/-b, तो मैंने क्या किया, माइनस से ऊपर और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब -1/-1 किया हमने, तो a का जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -a आ जाएगा, और -b का जब -a/1 होगा तो ये +b आ जाएगा। तो इसी को जनरली हम सीधे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ना कि उसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे तो रहे नहीं आप। देखो 16 × 1 = 16, 16 × 4 = 64, तो भाई ये वैल्यू कितनी आ गया, -4 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बस बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ सोचने वाली बात है, बस क्वेश्चन उठाया और तुरंत कर दिया। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, डिवाइड करना है। अब ये नंबर्स थोड़े से बड़े हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, नंबर देखो आपको 16x^4 + 12x²³ + 8x²+4x को, इस पूरे टर्म को आपको डिवाइड करना है 4x। देखो मैं इसके दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड तो देखो क्या है, पहला मेथड मैं फर्स्ट मेथड यहाँ बताता हूँ, यानी पूरे टर्म्स को आप लिख लो, +12x³ + 8x²+4x, पूरा टर्म लिख लिया। अब उसके बाद डिवाइड करेंगे किससे, 4x। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे सब में देखो, यहाँ सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, अगर सब में देखो सबसे छोटा कॉमन हमें ढूंढना होता है, तो यहाँ देखो 4x सबसे छोटा कॉमन है, तो 4x क्या करो, कॉमन ले लो। तो जैसे ही 4x कॉमन लोगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ बचेगा आपका 4x³, यहाँ बचेगा आपका 3x², यहाँ बचेगा आपका 2x, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन
फोर एक्स, फोर एक्स से फोर एक्स कर दिया, कितना बचा आपके पास, फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। बस बच्चों ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये तो एक मेथड था। दूसरा मेथड देखो, हम एक और मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड हम क्या अप्लाई करें, देखो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो ये गिवेन है 16x4 प्लस 12x3 प्लस 8x2 प्लस 4x, डिवाइड किससे करना है, 4x से ही डिवाइड करना है। देखो अच्छा बेटा एक बात बताओ, जैसे a अपॉन b होता है प्लस c अपॉन d होता है, सॉरी c अपॉन b होता है, तो अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो अगर हमें ऐड करना होता है तो हम एक बार डिनोमिनेटर लिखते हैं और a प्लस c कर देते हैं, ये माइनस नहीं ध्यान दीजिएगा, कर देते हैं ना। तो अगर ये इतना है, इतने को हमने इतना लिखा, तो क्या ये अगर हो तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बेशक सी बात है लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसको वैसे लिखेंगे, तो अगर मैं मान लूँ कि सबका डिनोमिनेटर 4x होगा तभी ना, एक बार 4x है और सबको ऐड कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 16x4 अपॉन 4x प्लस 12x3 अपॉन 4x प्लस 8x2 अपॉन 4x और प्लस 4x अपॉन 4x। अब देखो डिवाइड करो तो x से ये कटेगा 3 टाइम में और ये कटेगा 4 टाइम में, तो ये आ जाएगा 4x3 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 थ्री ज़ा और ये टू x से ये x कटेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x2 प्लस 4 टू ज़ा x और प्लस ये तो 4 से देखो 1 टाइम में कट गया, देखा बिल्कुल सेम, बहुत ईजी है, बड़े आराम से आंसर आ जाता है इसमें, तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आराम से आप क्वेश्चन करिए और इसका तुरंत आंसर लिख दीजिए। चलो हाँ, जैसे मैं बड़ा जल्दी इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ी सी शॉर्टेज है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो आपकी बहुत लंबी बने, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप वीडियो को पोस्ट करके आप लोग नोट डाउन कर लेना, उसके बाद इरेज कर देना, मतलब आप क्या इरेज करो बस उसको आगे बढ़ा देना, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हम उसी तरह करते हैं, क्या है हमारे पास 8x है, तो मैंने वाई लिख दिया है, ठीक। क्या है बेटा यहाँ पे 8x4 वाई जेड माइनस 5xy3z प्लस 24x2yz4, इन सबको डिवाइड करना किससे, 3xyz से। तो कोई बात नहीं, हम फिर से वही करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 3xyz है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये 8x4yz के पावर 3xyz हो जाएगा माइनस 5xy3z के पावर 3xyz हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा 24x2yz4 अपॉन 3xyz। अब जो कट रहा है उसे काट दोगे, जेड से जेड कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स से ये एक्स का एक पावर कटेगा, 3 आ जाएगा। अभी कुछ भी नहीं कट रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8/3x3 ये आ गया। इसके बारे में देखें तो देखो यहाँ से जेड कटा, एक्स से एक्स कटा, वाई से इसका एक वाई पावर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/3y2। इसके बारे में बात करें बच्चों, देखो यहाँ पे 3 1 3, 3 8 24, ये तो कटा यार बेटा, एक्स से एक्स कटेगा एक एक्स बचेगा, वाई से पूरी वाई और जेड से जेड पावर 4 कटेगा तो जेड क्यूब बचेगा, तो जो बचा हम यहाँ इसको यहाँ लिख देते हैं, तो 8xz³ इतना आपका बच गया, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचना, बस सीधे आप इसका आंसर लिख दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू क्या है आपका 9x² y माइनस 6xy प्लस 12xy², इसको डिवाइड करना है किससे बच्चों, माइनस 3/2xy से। देखो डरना बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है।
जैसे हमारा मेथड है उसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे 2 है ना डिनोमिनेटर में, ये चलो इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो, ये चलो कर देते हैं, इसका क्या करें, ये जाएगा ऊपर और सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये जब ऊपर जाएगा तो 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर वाई माइनस, ये 6 टू जा कितना हो जाएगा 12 एक्स वाई और प्लस 20 और 12 टू जा 24 एक्स वाई का स्क्वायर। नीचे क्या बचा, माइनस 3 एक्स वाई बचा। अब इसको फिर से ब्रेक डाउन करो, उसी तरह ब्रेक डाउन करेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा माइनस 18 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3 एक्स वाई माइनस, ये 12 एक्स वाई है तो ठीक है 12 एक्स वाई, ये माइनस हम बाहर कॉमन ले लेते हैं ठीक है, तो अंदर के सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, तो अभी ये सब सेम रहेगा, ये जो मैं नीचे वाला माइनस कॉमन हमने लिया है वो बाहर हमने कॉमन ले लिया है, तो अपॉन क्या हो जाएगा 3xy और ये प्लस 24xy स्क्वायर अपॉन 3xy, इतना हो गया हमारा। देखो बेटा इतना होने के बाद ये xy से ये xy कटेगा, बस y बचेगा, 38 जा 24 हो जाएगा, 34 जा और xy से xy कैंसिल हो गया, एक्स वाई से ये एक्स वाई कटेगा, एक्स बचेगा और 36 जा 18, तो हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर माइनस, यहाँ पे हमारा 6x है, माइनस 4 है और प्लस 8y है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको पहले 8y लाई तो माइनस 8y हो जाएगा और ये प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ ठीक है, ये वाला बहुत ईजी, याद रखिएगा, यहाँ पे आप परेशान नहीं होंगे, ये जो 3 है ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, अब बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर भाई मैं तो हूँ ही आपका सलूशन देने के लिए ठीक। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिवाइड एंड वेरीफाई द डिविडेंड ठीक है इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो समझो है क्या ये चीज़, ये चीज़ें हैं क्या, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वरना इसको अगर नहीं समझेंगे ना तो आगे बढ़ने का इसका कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। देखो अगर कोई भी आप टर्म डिवाइड करते हो, जैसे सपोज करो आपने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा 4 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये जो टर्म होता है ना इस वाले टर्म को बोलते हैं हम डिविडेंड, क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड। ये जो टर्म होता है ये हमारा डिवाइजर होता है, क्या होता है बच्चों, डिवाइजर, ये हमारा होता है कोशेंट और ये जो बच जाता है ये हमारा होता है रिमाइंडर। बस इसको याद रखिएगा और सारे क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। बीच वाला आपका होता है डिविडेंड होता है, सबसे किनारे वाला डिवाइजर, सबसे इस साइड वाला मतलब लेफ्ट साइड वाला आपका सॉरी राइट साइड वाला क्या होता है, कोशेंट होता है, लेफ्ट साइड वाला डिवाइजर और फिर जो बच जाता है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो चलिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉरी क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड दैट, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है, मतलब अभी जो मैंने बताया उससे, और फिर आपको फाइंड करना है इसके वैल्यू। चलो करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, तो आपको 3x माइनस 1 से डिवाइड करना है 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को। बहुत ईजी है बेटा, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे पहला डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे पहला डिजिट आपको ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर है कितना है 6x स्क्वायर और यहाँ पे जो नंबर है कितना है 3x, डिवाइड कर दो, तो देखो x से x कटेगा, एक x बच जाएगा और 3 टू जा मतलब कितना बचा यहाँ पे 2x बचा, तो जितनी बचा ना उतनी बार ये जाता है ठीक है। अब ये 2x का मल्टीप्लाई 3x में करो तो ये आएगा आपका 6x स्क्वायर, अब इस 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2x, कर दिया। देखो अब क्या होता है, इनका साइन बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, अब इस वाले को मत काउंट कीजिएगा, तो ये x और 2x कितना हो गया, ये 3x हो गया और ये माइनस 1। अब देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है,
तो हम सिंपल सा बात है वन से ले जाएंगे, तो जब वन से ले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x-1 ही आएगा और ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। मतलब इसमें रिमाइंडर वाला केस तो बचा ही नहीं, इसमें रिमाइंडर वाला केस तो बचा ही नहीं। और जब रिमाइंडर वाला केस नहीं बचा बड़े आराम से आप इसको वैसे कर देंगे। अच्छा चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका छूट गया हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसे करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे, थोड़ा सा बाय मिस्टेक मैं आगे आ गया, तो अभी उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा, पहले इसको, अब आ गए हैं इस पर तो पहले इसे ही खत्म कर लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 2x-5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। देखो मेरे बच्चों, अगर कोई भी पॉलिनोमियल या फिर कोई भी टर्म यहाँ पर दिया, जैसे ये दिया है 2x-5, ये एक टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर ये बोलता है कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर हम उससे उसको डिवाइड करें तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा वो, ठीक, और रिमाइंडर उसमें नहीं बचेगा। तो अगर ये कह रहा है 2x-5 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो अगर हम जब इससे डिवाइड करेंगे ना, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे पहले वाले में रिमाइंडर नहीं बचा था, तो हम कह सकते थे कि 3x-1 इसका एक फैक्टर है। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं, तो 2x-5 को डिवाइड करेंगे 4x, इससे किसको डिवाइड करना है, 4x⁴ -10x⁴ -10x² + 30x और -15, ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो नॉर्मल सी बात है 2 आ जाएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे x 4 टाइम है, मतलब कितनी टाइम कम है, 3 टाइम कम है, तो जितनी टाइम कम होता है उतनी बार हम यहाँ लिख लें। अब ये 2x का मल्टीप्लाई करो 2x में, तो 2×2 = 4 और ये x⁴ आ गया। अब इस 2x³ का 5 में करेंगे तो 5×2 = 10 x³ आ गया भाई। अब देखो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -10x³, ये +10x³, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा -10x² + 30x - 15। तो ठीक है, माइनस है तो पहली बात माइनस लिखो, यहाँ पे कितना है 2 है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाए, तो सर सिंपल सी बात है 5 से करेंगे। अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलो अब 5x का मल्टीप्लाई 5 और 2x में करो, तो जैसे 5x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हमें मिलेगा -10x², और -5x का -5 में करेंगे तो 5×5 = 25 और -++ तो +25x हो गया। अब देखो बच्चों, ये माइनस ये माइनस, ये तो प्लस हो गया, और ये प्लस ये माइनस, ये तो ये प्लस प्लस, ये तो माइनस हो गया। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ 30x में से 25x जाएगा, तो आपका आएगा 5x और ये -10। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 5x है, तो हमें क्या लाना है, हमें ले आना है यहाँ पे किसी तरह करके 5x ले आना है। तो देखो क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है 5x में 2x से डिवाइड करेंगे, x का कटा कितना बचा आपका 5/2, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसी 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 5/2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, केवल 5x बचा ना, तो ये आ जाएगा आपका 5x, ठीक, ये तो आ गया 5x। लेकिन जब 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, ये आ जाएगा -25/2। सॉल्व कीजिए, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमें करना है, देखो 25/2 - 15/1, मतलब 25 - 30/2, मतलब -5/2, भाई आंसर आपका -5/2 आ रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। हमने देखा कि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, और अगर रिमाइंडर बच गया तो हम कहेंगे, ठीक, रिमाइंडर यहाँ पे देखो क्या होगा, बच गया ना, तो रिमाइंडर बच गया तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम बोल देंगे Not a factor. ये क्या है, फैक्टर नहीं है, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा, फैक्टर नहीं है। ये बात समझ में आ गई, आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक। चलो आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। कह रहा है 2x² + 4x - 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
तो देखो अगर यहाँ इसका फैक्टर है तो नॉर्मल सी बात है, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड करके देखते हैं। तो 2x² + 4x - 6 से हम डिवाइड करेंगे, 6x³ - 26x + 12 + 8x². देखो थोड़ा सा क्या करेंगे हम यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करेंगे, नहीं तो बाद में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हमारे यहाँ पे 8x यहाँ पे है और 26x यहाँ पे है, तो हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और हम यहाँ पे इसको थोड़ा सही से लिखना चाहेंगे। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, हम इस पहले जो पावर के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हमने लिख लिया 6x² उसके बाद प्लस 8x² है, 8x² है उसके बाद -26x है और +12। इस तरह से क्या होना, थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो नॉर्मल सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x का मल्टीप्लाई करो इसमें, देखो 3x का मल्टीप्लाई जब 2x में करोगे तो ये आ जाएगा 6x³ और 4 3 = 12x² और 6 3 = 18x, तो -18x इतना हो गया। यानी यहाँ का जो टर्म है उसमें सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो गया, और ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये -4x² आएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये भी प्लस और ये माइनस, तो 26 में से 18 माइनस करो तो भाई आएगा तो माइनस में। अब यहाँ देखो कितना है, 26 है ना, तो 8 आ जाएगा और फिर बस 8x आ जाएगा और ये +12। अब देखो यहाँ पे कितना है, 4 है। नॉर्मल सी बात है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब यहाँ पे ले आओगे -2 से, तो 2 2 = 4, वो भी किस में, -4x² में, हो गया ना। देखो भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, तीनों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 4x में, तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 = 8x हो गया, अब माइनस माइनस प्लस, 6 2 = 12 हो गया। देखो बेटा सबका साइन चेंज करो, तो माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस और माइनस, ये प्लस हो गया माइनस, भाई सब कैंसिल हो गए, आ गया कितना, 0। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 0 नहीं आ रहा था, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच रहा था, लेकिन इस वाले केस में क्या, रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। तो मैंने बोला था बच्चों अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम साफ साफ बोल देंगे कि ये इसका फैक्टर है, ये फैक्टर है, यस इट इज़ अ फैक्टर। बस सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता फिर मुझे बताएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन बताऊंगा, बट उसको ट्राई ज़रूर करिएगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ चला गया, हम थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा हाइड हो गया था उसकी वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों क्या है, वहाँ पे मैं फिर से थोड़ा रिकॉल करा दे रहा हूँ इसको। बीच वाला आपका होता है डिविडेंड, सबसे किनारे वाला मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका होता है डिवाइजर, और राइट हैंड साइड होता है आपका क्वेश्चन। इसके भी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आपके ऊपर थोड़ा सा रहेगा, आप करिएगा इसको। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भाई आपको 2x + 3 से डिवाइड करना है किसको, -14x² - 13x और +12। तो चलिए डिवाइड करिए भाई, देखो यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगा लो यहाँ पे। अब यहाँ देखो 2 7 = 14 होता है ना, तो 7 लगा लो। यहाँ एक्स कितनी बार है, यहाँ एक्स 1 टाइम है, यहाँ एक्स 2 टाइम है, कितना कम है, 1 टाइम कम है, तो यहाँ पे एक्स लिख लो। सिंपल से बहुत ईजी है, जो चीज़ कहते जाए बस वो करते जाओ बच्चों, आप बड़े आराम से कर लोगे इसको। अब देखो -7 का मल्टीप्लाई 2 में करो, तो -7 2 = 14, तो ये हो गया -14x². अब क्या करेंगे, इसी -7 का 3 में करेंगे, तो 7 3 = 21, -21x हो गया। अब देखो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब 21 में से 13 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, +12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो नॉर्मल सी बात है आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 2 = 8x, ठीक है, और 4 3 = 12, तो +12। अब देखो ये माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब वही करना है, तो मैंने बोला था आपको ये आपका डिविडेंट है,
ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यही होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो बच्चों, डिवाइजर कितना है? अब डिवाइजर आपका है 2x प्लस 3, और कोशेंट कितना है आपका? -7x प्लस 4। तो चलिए पहले 2x का इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करिए। तो 2x का मल्टीप्लाई हम करेंगे -7x प्लस 4 में, बीच में प्लस है तो प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -7x प्लस 4 में। देखो बच्चों, मैं यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा -7 × 2 = 14x, और x x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 8 × 4 = 8x प्लस आपका हो गया 8x, और ये हो जाएगा -21x और प्लस 4 × 3 = 12। अब देखो इसी को आप सही अरेंज फॉर्म में लिख दो, तो -14x² हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका -13x आएगा और ये प्लस 12। बस यही आपका था डिविडेंड। ठीक, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक, और जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं उनको शेयर भी कर दिया करो, उसको उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, तो उनके लिए भी बेटर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करना है भाई, 2y² - 6 से डिवाइड करना है, 6y² - 28y³ + 3y² + 30y - 9। देखो क्वेश्चन बड़ा हो डजंट मैटर, ठीक है, तरीका वही होना चाहिए और उसी तरह हम लोग क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे कितना 2y² = 2 है और यहाँ 6y² = 5 है, तो सिंपल सी बात है 2 × 3 = 3 तो आ जाएगा जनरली, ठीक है। अब यहाँ पे y 2 टाइम है, यहाँ y 3 टाइम है, तो y यहाँ 5 टाइम है, डिफरेंस कितना है 3 टाइम का, तो 3 लिख दो, बस सिंपल सी बात है भाई। अब इस 3y³ का मल्टीप्लाई 3y² में करो, 3 × 2 = 6y² = 5 आ जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो -6 = 18y³। अब देखो ये तो माइनस हो गया, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब भैया ये -28 है और ये प्लस 18 हो गया, तो ये आ जाएगा -10y³ और +3y². अभी दो ही उतारो क्योंकि मेरे पास दो ही यहाँ पे टर्म है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आ गया माइनस, तो सबसे पहले यहाँ माइनस लगाओ, ये 2 है ये 10 है, तो यहाँ पे 5 की रिक्वायरमेंट होगी। और अब देखो, अब आपको यहाँ से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अब सीधे यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ पे y कितनी बार है भाई, यहाँ y 3 टाइम है ना। तो अब देखो यहाँ पे y कितनी आया है, y यहाँ पे 3 टाइम आया है, एक 2y यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है y जाएगा, कितना जाएगा y, तो 5y का मल्टीप्लाई 2y² में करोगे तो 5 × 2 = 10, कितना आ जाएगा -10y³, क्योंकि 2 इसका और 1 इसका, 3 आ गया प्लस -5y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -6 में, ऐसा करें ना, इसको एक और भी ले आओ अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो 5 × 6 = 30, माइनस माइनस प्लस, तो +30y। अब देखो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये बेटा देखो, वाई स्क्वायर का कोई टर्म हमें मिला ही नहीं था ना, अब ऐसा गलती मत करना कि 30y को इसके नीचे लिख देना, नहीं, वाई स्क्वायर का टर्म आपको मिला ही नहीं था। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3y² यहाँ नीचे, और ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या आपका -5 बचा। अब देखो यहाँ पे यार ये 2y है, यहाँ पे ये 3y है ना, तो कैसे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे +3/2 से। जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा, देखो 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3, और ये y² कट गया हमारा 3y², चलो 3y इसमें करो, तो ये आ जाएगा 3y². अब ये 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 6 में, तो 2 × 3 = 3, 3 × 9 = 9, तो मतलब -9 आ गया, ये माइनस और ये प्लस, भाई ये सब्ट्रैक्ट करो इनको,
तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 4, ये प्लस में आ गया। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल गई, क्या मिल गई? प्लस 4, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर कितना है भाई? हमारा डिवाइजर है 2y² - 6। हमारा क्वेश्चन कितना आया? क्वेश्चन हमारा 3y³ - 5y + 3/2 आया है, और रिमाइंडर कितना आ गया है? 4। बस बच्चे अब इसी को आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करना मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज में बताया था। ठीक, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलो अब देखो ये चीज़ तो हो गया, अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, थोड़ा सा जो अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या गिवन है भाई? आपको डिवाइड करना है 3y - 2 से, 3y - 2 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 15y⁴ - 16y³ + 9y² - 10/3y + 6, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ स्पेस कम है, तो मैं इसका भी डिविडेंड ऊपर, इसका भी क्वेश्चन ऊपर ही लिखूंगा। तो भाई यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो नॉर्मल सी बात है, किससे आएगा? 5 से आएगा, 5y। यहाँ पे 4 टाइम है तो हम 3 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है, तो 1 3 टाइम का डिफरेंस है, तो 5y³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया, y⁴। ये तो सेम आ जाता है। अब देखो माइनस 5 2 10, और ये हो जाएगा y³। ये हो गया, ये माइनस और ये प्लस, भाई ये कैंसिल। अब देखो 16 में से 10 जाएगा तो आएगा 6y³। अब प्लस, ये माइनस वाली साइन बढ़ा, इसलिए माइनस हो गया, प्लस 9y² हो गया ना बच्चा। अब देखो माइनस है तो पहले यहाँ माइनस लिखो, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, तो 2 टाइम जाएगा और ये y² आ जाएगा। देखो 2 3 6y³, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 4y² 4y². अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। भाई 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 5y². ठीक है, 5y² आ गया। अब यहाँ पे आपको कितना है? -10/3y, और ये +6। अब देखो यहाँ 5y² है, यहाँ पे 3 है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा तो समझना पड़ेगा, यहाँ आपको लाना कितना है? 5, आपका है कितना? यहाँ 3। तो अगर हम 5/3 से मल्टीप्लाई करते, देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से, 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो देखो ऐसे सिंपल सी बात है, 3 में तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना? वाई बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पे एक वाई, तो 5y² हो जाएगा। एक मिनट बच्चा, एक मिनट, यहाँ स्क्वायर है ना, तो हम 5 ये, ठीक है, वाई बोल रहे थे। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका 5y². अब ये 5/3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो जब 5/3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10/3, तो ये हो गया -10/3y। अब देखो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, भैया ये भी कैंसिल हो गया और ये भी इक्वल थे, तो ये भी कैंसिल हो गए, बचा क्या आपका? केवल और केवल 6 बचा। तो 6 को इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 6 पे इतने पे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आगे क्या हो जाएगा? हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा जो डिविडेंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइजर कितना है? हमारा डिवाइजर है 3y - 2। क्वोशंट हमारा कितना आ गया? ये हमारा आ गया 5y³ - 2y² + 5/3y। और क्या रिमेनिंग रह गया भाई? रिमेनिंग हमारा आ गया 6 बस बेटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ हमने 3 कर लिया और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा जो आपको नहीं समझ में आया, एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ वर्क दिया हुआ है, आप लोग उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी लगता है कि हाँ अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो बताए कि उसके सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 4 3 का तो कर लिया ना, बात 4 की बात करनी ना, हाँ मे बी शायद, तो एक्सरसाइज 4 की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।